हरगिज़ तुम्हें अपने आप से दूर नहीं करना चाहती, अगर जिनसे प्यार होता है ना हमसे ही दूर जाना पड़ता है। अगर मेरी मजबूरी है तुम मेरी बात मानोगी ना? उन्हें तुम बिल्कुल परेशान मत हो, ओके? मैं अभी पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ ताकि ये पता करवाया जा सके कि वो नंबर किसका है। उसके बाद इंशाल्लाह हमारी बच्ची हमें वापस मिल जाएगी। इंशाल्लाह ऐसे ही होगा, और मुझे यकीन है कि उम्मीद हमसे दोबारा रब्ता करेगी। जरूर, व्हाई नॉट? तुम अपना फोन ऑन रखो, मैं चलता हूँ। नहीं, मैं भी आपके साथ चलती हूँ, प्लीज। मेरे जब से बात की ना मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, मेरा दिल कर रहा है वो मेरे पास और मैं तैयार कर लूँ। प्लीज मुझे ले चले। हौसला रखो, देखो अल्लाह ताला रास्ते बना रहा है ना हमारे उस तक पहुंचने के लिए। तुम घर पर ही रहो, हो सकता है वो यहाँ आ जाए, वापस आ जाए। हाँ मैं आता हूँ। मुझे अकेला छोड़कर चली गई, काश आप मेरे पास होते। मुझे इस वक्त आपकी बहुत जरूरत है। हाय, बहुत सताया तुम दोनों माँ बेटियों ने मुझे। आज तुम्हें इस तरह तकलीफ में देखकर ना बहुत दिल को ठंडक पहुंची है। अरे सुकून आ गया मुझे तो। इसी तरह रोई थी मैं जब नीलम की औलाद खत्म हुई थी और उसे बेइज्जत करके उस घर से निकाला गया था, और वो भी तुम्हारी वजह से। आज तुम्हें एहसास हो रहा होगा ना मारुफ कि जब कोई अपना जाता है कैसे दिल को तकलीफ पहुंचती है। खुदा के लिए आंटी, इस वक्त आपको मेरे गम बांटना चाहिए, और आप मुझे यहां ये बताने आई हैं कि मुझे मेरे किए की सजा मिल रही है। चली जाए आप यहां से, मैं भी किसी बहस के मूड में नहीं हूँ, मुझे अकेला छोड़ दे। अकेली तो तुम हो जाओगी एक ना एक दिन। मेरा बेटा मुझसे छीन लिया, अरे मेरी नीलम को मुझसे दूर कर दिया तुमने। अपने किए की सजा तो भुगतनी पड़ेगी तुम्हें। मेरी ही गलती थी जो सब कुछ भुलाकर आपको माँ का दर्जा देती रही। मुझे नहीं मालूम था कि आपके दिल में आज भी मेरे और उम्मीद के लिए नफरत भरी है। मैं तो बर्दाश्त कर लूंगी क्योंकि मेरी मां ने मुझे सब्र और हौसला सिखाया। उम्मीद तो जरूर वापस आएगी, अपने रब पे भरोसा है मुझे। रही बात आपकी, तो मैं दुआ करती हूँ अल्लाह से कि आपको आपके किए की सजा ना मिले। आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। किसको कैसे सजा मिलती है ये तो वक्त ही बताएगा। देखती रहना।